हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि दिल्ली एससीईआरटी की तरफ से क्या अभी कोई ऑफिशियल नोटिस आया है डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर के रिगार्डिंग, या फिर फ्रेंड्स क्या पेपर होंगे, या फिर फ्रेंड्स 8 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स एससीईआरटी की, क्या उसमें क्या फैसला लिया गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स डीएलएड फर्स्ट ईयर की। तो फ्रेंड्स, डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में तो सेकेंड ईयर का होना था, बट हमारा जो पेपर था वो जून में होना था। बट फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से जो डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो अप्रैल में ही पोस्टपोन करना पड़ा था, और इसी वजह से जो हमारा पेपर है वो भी काफ़ी लेट हो चुका था, और जिस वजह से 14 जून को जो हमारे पेपर फर्स्ट ईयर के होने थे फ्रेंड्स, वो भी पोस्टपोन हो गए। अब बट फ्रेंड्स, उसके बाद हम 1 महीने तक वेट कर चुके हैं फ्रेंड्स, पर फिर भी अभी तक कुछ एससीईआरटी की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं है ऑफिशियल फ्रेंड्स। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ये जो है एससीईआरटी की तरफ से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए हैं उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। मतलब कि डीएलएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है फ्रेंड्स 2 जुलाई को, तो उसको किस प्रकार के जो मार्क्स हैं, किस प्रकार मार्क्स दिए जाएंगे, वो इसमें लिखा हुआ है। मतलब कि फ्रेंड्स, जो इसके इंटरनल्स पेपर हुए थे उसके 50% मतलब कि उनमें से होंगे, और 50% फ्रेंड्स जो इनके 2 पेपर हुए थे उनमें से होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स डीएलएड फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो फ्रेंड्स, और हमें टेंशन से एससीईआरटी मुक्त करे। क्योंकि फ्रेंड्स, मतलब कि एक जो वेट करने की मतलब कि एक सीमा होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी पार हो चुका है, मतलब सर से पानी ऊपर जा चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे भी जितना जल्दी पता चले आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे या कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स आप मुझे बता देना कमेंट में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनका एग्ज़ाम तो फाइनल था, तो फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं कैंसिल हो सकते। और अभी तक तो फ्रेंड्स ऐसा कि आपको पता है कि ना तो स्कूल खुला है फ्रेंड्स, ना ही कॉलेज खुला, और इस स्थिति में फ्रेंड्स हमें इतना दिनों से लटकाए रखना काफ़ी मतलब कि गलत है, क्योंकि एससीईआरटी को क्लियरली ये साफ कर देना चाहिए कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इतना दिन तक हमें वेट करा कर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब कि परेशान कर रहे हैं एससीईआरटी, जो कि काफ़ी गलत है फ्रेंड्स। और ये हमें पता है कि फ्रेंड्स अभी कोविड-19 की वजह से ना तो स्कूल खुलेंगे ना ही कॉलेज खुलेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लियरली साफ बता देना चाहिए फ्रेंड्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आज 10 जुलाई है, 12 जुलाई है, 11 जुलाई तक हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो थैंक यू।